इनर रिंग रोड पर देर रात टायर फटने के बाद तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। स्कॉर्पियो में सवार 6 लोग अंदर ही फंस गए। पुलिस ने स्कॉर्पियो की खिड़की कटवा कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। सभी घायलों को निजी अस्पताल में पहुंचाया। तब तक 4 की मौत हो चुकी थी। 2 घायलों को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों में 3 ताजगंज और 1 सदर क्षेत्र का रहने वाला है। ये सभी युवा हैं और रात जन्मदिन की पार्टी कर लौट रहे थे। हादसे की खबर मिलने के बाद परिवारों में चीख पुकार मच गई है। इनर रिंग रोड पर रहन कला टोल प्लाजा से रात 12 बजे आगरा की ओर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जा रही थी। थोड़ी दूर चलते ही गाड़ी का टायर फट गया। इसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। इसमें सवार 6 लोग अंदर ही फंस गए। पुलिस ने मुश्किल से घायलों को बाहर निकाला। इनमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को वाटरवर्क्स स्थित सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में ताजगंज के बाधवा नगर निवासी 19 वर्षीय आशीष, 16 वर्षीय कृष्णा सिंह, सदर के शेर खान बिल्डिंग निवासी अरशद और ताजगंज के राष्ट्रीय अपार्टमेंट निवासी निखिल शामिल हैं। हॉस्पिटल में ताजगंज के नेहरू एनक्लेव निवासी कनिक और कबीर को भर्ती कराया गया है। इन सभी की उम्र 18 से 19 साल है। बताया गया कि दोस्त के बर्थडे की पार्टी करने के लिए लोग स्कॉर्पियो से गए थे, लौटते वक्त हादसा हुआ है। आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज़।